माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5th अ हीरो जो पढ़ रहे थे, वो कल हमने पेज नंबर 59 तक पढ़ लिया था। आज हम 60 से शुरू कर रहे हैं। हमने पढ़ा था वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गोन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, From a challenge it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. स्वामी को पता चल गया कि ये एक चुनौती जो इसके नियंत्रण से परे हो गई थी, और अब उसके पिताजी के आदेश को उसे मानना होगा। ये एक कमांड बन गया है। तो अब आगे From the first of next month, I will sleep alone, father. अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला ही सोया करूंगा पिताजी, ऐसा स्वामी ने कहा। No, you must do it now. No, you must do it now. नहीं, तुम्हें अभी से ही ऐसा करना है। It is disgraceful sleeping beside ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, दादी अथवा माँ के साथ एक छोटे बच्चे के समान सोना शर्म की बात है, ऐसा स्वामी के पिताजी ने स्वामी से कहा। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ हु वॉज रॉकिंग द क्रैडल। अब तुम द्वितीय अवस्था अर्थात किशोर अवस्था में हो, और जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा तथा अपनी पत्नी अर्थात स्वामी की माँ की ओर देखा, जो पालना झुला रही थी। क्राडल का अर्थ होता है पालना। ओके, व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, सी आस्क, ये सब कहते समय तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो, स्वामी की मां ने स्वामी के पिताजी से पूछा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं तो इस लड़के के विषय में कुछ भी, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, नहीं नहीं मेरा मतलब तुमसे नहीं है, पिताजी ने कहा। नेक्स्ट, No, no, I don't mean you, father said. If you mean that your mother is spoiling him, if you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. यदि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ या स्वामी की दादी जो इस लड़के को बिगाड़ रही है, तो ये बात उनसे कहो और मेरी तरफ मत देखो, ऐसा स्वामी की माँ बोली तथा वहां से मुंह फेर लिया एंड टर्न्ड अवे। स्वामीज फादर सैट ग्लूमिली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। स्वामी के पिता अपनी गोद में पड़े समाचार पत्र को देखते हुए उदास बैठे रहे। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. स्वामी ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके पिता एक बार फिर से समाचार पत्र को उठाकर अपने चेहरे तक ले जाए, ताकि वह धीरे से
अपने बिस्तर की ओर खिसक ले और कोई दोबारा उसे पुकारे अथवा बुलाए उससे पहले ही वे सो जाए। एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। और स्वामी चुपचाप उठा और पंजों के बल गलियारे में अपने बिस्तर पर चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। दादी माँ अपने बिस्तर पर बैठी थी और बोली, बेटा क्या तुम्हें अभी से नींद आने लगी है? डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या तुम कोई कहानी नहीं सुनना चाहते? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिक्यूलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी। स्वामी ने अपनी दादी माँ को चुप करने के लिए अजीब तरीके से अटपटे इशारे किए, जेस्टिक्यूलेशंस का अर्थ है इशारे या संकेत, बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन इस अच्छी महिला ने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। इसलिए स्वामी अपने बिस्तर पर तेजी से जाकर लेट गया और अपने चेहरे तक कंबल खींच लिया। ग्रेनी सेड डोंट कवर योर फेस, दादी ने कहा अपना चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में बहुत नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड ओवर एंड व्हिस्पर्ड, स्वामी उसकी तरफ झुकाया और फुसफुसाया, धीमे से बोला, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, कृपया चुप रहो दादी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, और चाहे घर में आग ही क्यों न लग जाए, किसी व्यक्ति को भी मुझे पुकारने मत देना। If I don't sleep at once, I shall perhaps die. यदि मैं तुरंत नहीं सोया तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. उसने करवट बदली, शरीर को सिकुड़ लिया और कंबल के अंदर उस समय तक खर्राटे भरने लगा जब तक कि उसके कंबल को खींच नहीं लिया गया हो। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, अब पिताजी उसके सामने खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी उठो, ही सेड, पिताजी ने कहा। ही लुक्ड लाइक एन अपारिशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, उस गलियारे के हल्के अंधियारे में जहाँ, which was lit by a cone of light reaching from the hole lamp, उस गलियारे के हल्के अंधियारे में जहाँ होल की बत्ती से एक शंकु के आकार में रोशनी पहुंच रही थी, उसमें से पिताजी उसे एक भूत के समान या प्रेत के समान दिखे। स्वामी स्टीड एंड ग्राउंड एज इफ इन स्लीप, स्वामी फिर कराने लगा मानो वो नींद में हो। फादर सेड गेट अप स्वामी, पिताजी ने कहा खड़े हो जाओ स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, दादी माँ ने थोड़ा उसका पक्ष लेते हुए कहा इसे क्यों परेशान करते हो? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, एंड स्वामी गॉट अप, उन्होंने लगभग चौथी बार कहा उठो स्वामी, और स्वामी उठ खड़ा हुआ। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टूक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विथ मी,
पिताजी ने उसके बिस्तर को लपेटकर अपनी काख में दबाया और उसे कहा, मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी। स्वामी ने दादी की ओर देखा, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। थोड़े समय के लिए हिचकिचाया और फिर पिताजी के पीछे पीछे उनके ऑफिस की ओर चल पड़ा। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड सी सेड, व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम। रास्ते में उसने अपनी माँ की ओर एक याचना भरी दृष्टि डाली और वह बोली, इसे ऑफिस में क्यों ले जाते हो? व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, इसे ऑफिस में क्यों ले जाते हो? ही कैन स्लीप इन द होल। आई थिंक, मैं समझती हूँ वह होल में ही सो सकता है। तो पेज नंबर 60 पर जो आज हमने पढ़ा उसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी काफ़ी जगह यूज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? डू। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, और जब ये आती है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है ना। तो और सिंपल पास्ट टेंस के खूब सारे सेंटेंस है जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। ग्रीन बोर्ड पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब और स्पेलिंग मीनिंग भी लिखी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप रेगुलर देखें। कल से हम जो पेज नंबर नेक्स्ट है 61 पेज नंबर से हम पढ़ेंगे, 61 पेज नंबर से कल हम पढ़ेंगे। तो आज हमने पेज नंबर 60 तक पढ़ा, या मेनली जो सेंटेंसेस थे वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस भी थे और इम्पेरेटिव के पॉजिटिव सेंटेंसेस भी थे और इम्पेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस भी थे। हमने पढ़े कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं सीधे। ओके, तो यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी पढ़े और इम्पेरेटिव के हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़े। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिस समय हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ी थी उस समय मेनली हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अलग अलग से पढ़ा था। कुछ ऐसे वाक्य जैसा कि सेंटें हमारे जो आरबीएससी का जो बोर्ड पैटर्न है उसमें हमेशा ही ऐसे वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो कई बार इम्पेरेटिव के पॉजिटिव पूछे जाते हैं और कई बार इम्पेरेटिव के नेगेटिव पूछे जाते हैं। जैसे डोंट कवर योर फेस, ये इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट कहो या डू नॉट कहो, डू नॉट कवर योर फेस, ठीक है ना। अगर इसको हम इसको इम्पेरेटिव का पॉजिटिव बनाना चाहे तो कवर योर फेस क्या हो जाएगा, कवर योर फेस। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो वाले सेंटेंस हमने पढ़े थे। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। तो इस प्रकार के काफी सेंटेंसेस हमने जिस समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने जो पढ़ा था, एक्टिव पैसिव जिस समय हमने पढ़ा था, तो उस समय काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी थी। तो और पीछे जो एक्सरसाइज आई थी उनमें हमने ऐसे कुछ सेंटेंसेज हमने किए भी थे। पीछे एक सेंटेंस था डोंट टीज हर, डोंट टीज हर वाला सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस वाले थे, ये पूरे पेज नंबर 57 पे दे रखे हैं। काफ़ी सेंटेंसेस हमने किए थे, बाकी सेंटेंसेस को आप करने की कोशिश करें और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज नंबर 61 से हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। आप इसकी स्पेलिंग मीनिंग वगैरह याद करें और ग्रामर की जो टर्म है उसे साथ साथ में देखते रहें, और ग्लोसरी जो दे रखी है लास्ट में
इसको भी देखने की, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्लोसरी वाले वर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट या दिए हुए हैं। इनमें से कई बार हमें वोकैब्स में मिलते हैं, सीन और अनसीन पैसेज में कई बार पूछे जाते हैं। मेरे साथ बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे। थैंक यू।